हाय गाइस, आज हम लोग आए हैं आंगन बोल के न्यू पनवेल में, एक रेस्टोरेंट है जो फैमिली रेस्टोरेंट प्लस बार भी है। और इसका स्पेशलिटी ये है कि ये लोग तरह तरह का सी फूड सर्व करते हैं। और इस रेस्टोरेंट के अंदर आपको लॉन भी मिलेगा, लॉन सीटिंग मिलेगा। सो चलिए आके देखते हैं इसका एम्बियंस और इसका थीम कैसा है। इस रेस्टोरेंट का खास बात यह है कि यह बहुत स्पेसियस है। ये रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही आपको यह फील आ जाएगा। एक तरफ इन्होंने बैम्बू प्लांट से डेकोरेट किया तो दूसरे तरफ इन लोगों का लॉन सेटिंग है। यहाँ का एम्बियंस सही में बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। इस बोर्ड में हर दिन का स्पेशल मेनू अपडेट होते रहता है। और ये रहा सी फूड का डिस्प्ले, यहाँ से आप कोई भी फिश चूज करके ऑर्डर दे सकते हो। अब चलते हैं हम एसी सीटिंग के तरफ। ये रहा हम लोगों का एसी सीटिंग, जहाँ पे आप अपने फैमिली लेके कोई गेट टुगेदर या तो पार्टी होस्ट कर सकते हो। एसी सीटिंग के बगल में ही आपको लाइव किचन दिखने को मिलेगा। और लाइव किचन के जस्ट ऑपोजिट आपको बार दिखने को मिलेगा। ये रहा हम लोगों का वेल स्टॉक्ड एक बार, जहाँ पे बारटेंडर आपका ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा है। अभी मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो कि एक यूनिक सिटिंग अरेंजमेंट है। ये खुले मैदान में चेयर और टेबल्स का अरेंजमेंट है। इसको कहते हैं लॉन सिटिंग। ये फैमिली गेट टुगेदर चाहे फ्रेंड्स गेट टुगेदर के लिए एकदम एप्ट है। यहाँ पे आप दो दो मग बियर ले लो और साथ में फ्रेंड्स के साथ चिल हो जाओ, मस्त। बच्चों को एंगेज रखने के लिए वॉल पे तरह तरह का कार्टून कैरेक्टर्स ड्रॉ किया हुआ है। और साथ में इन लोगों का एक छोटा सा प्ले एरिया भी है जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा बच्चे लोगों का प्ले एरिया, जहाँ पे बच्चे लोग एंगेज रह सकते हैं। एक मॉकटेल ऑर्डर किया जिसका नाम है वर्जिन मोहितो। इट्स अ क्वाइट रिफ्रेशिंग मॉकटेल। इसमें जो लेमन और मिंट लिप्स का जो बैलेंस है, इन लोगों ने एक्चुअली बहुत अच्छे से वो बैलेंस को मेंटेन किया। काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है एंड लिटरली इट्स अ गुड ड्रिंक फॉर अ ब्राइट सनी डे। तो ये आ गया हम लोगों का क्रैब बटर गार्लिक। अब देख सकते हो कि इतना यम दिख रहा है। और एज एन एकम्पेनिमेंट ये लोग ने मिंट चटनी दिए है। मेरा मोहितो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, आई हैव टू हैव इट। फॉर्म तो ऑलरेडी चालू हो गया, मेरे लिए वेट भी नहीं किया, खुद परा उसी में भुक्कर। क्वाइट नाइस, बटर और गार्लिक का बैलेंस परफेक्टली मेंटेन्ड है। और जैसा आपको पता है कि बटर गार्लिक
सॉस में गार्लिक का एक डोमिनेंट फ्लेवर रहता है, तो किसी को भी अगर गार्लिक पसंद है तो उसके लिए तो ये ज़बरदस्त फूड है। यह फूड का प्रॉब्लम एक ही है, इन लोगों ने मुझे फोर्क दिया, स्पून दिया। अभी यह क्रैब का जो शेल है इसको मैं कैसे तोड़ूं? फोर्क और स्पून से तो होता नहीं है, फिर भी चलो देखते हैं, देसी तरीका अपनाते हैं। नहीं होने वाला है, सो लेट्स बी अ देसी लौंडा। बेटर मेन कोर्स में हम लोगों ने भाकरी और चिकन लपेटा ऑर्डर किया था। तो भाकरी तो एक राइस फ्लावर पैनकेक है, देसी भाषा में अगर बोलो तो चावल की रोटी। और चिकन लपेटा गोवा और मुंबई हाईवे में बहुत सारे ढाबा में मिलते रहता है, काफ़ी स्पाइसी डिश होता है, और जो कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहता है ये काफ़ी एरोमेटिक होता है। थोड़ा स्पाइसी है बट रियली टेस्ट ऑसम, खास करके ये भाकरी के साथ और भी अच्छा जाता है। पहले भी मैंने चिकन लपेटा खाया है बट कहता है मैं हैव ट्राइड विथ तंदूरी रोटी, बट तंदूरी रोटी से भी अच्छा भाकरी के साथ जा रहा है। सीरियसली कभी फुर्सत से आ जाइए आंगन रेस्टोरेंट में, इन लोगों का खाना टेस्ट कीजिए। दे आर रियली वेरी वेरी नाइसली कुक एंड वेरी टेस्टी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि आगे क्या क्या वीडियो बनाओ आप लोगों के लिए। चलो बाय।